हेलो टू फैमिली, वेलकम माई चैनल लखनवी नवाब एंड दिस इज़ अ फर्स्ट ब्लॉग, मतलब ये मेरे चैनल का पहला ब्लॉग है एंड पहली वीडियो है। इससे पहले आप लोग ने मुझे देखा होगा अकोस्टिक अवध बॉय के नाम से, उसमें मैं गिटार के लेसन वगैरह डालता हूँ। तो अगर आप लोगों ने उसको नहीं देखा तो प्लीज़ जाकर उसको चेक करें एंड अगर उसको सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब भी करें। एंड ये आज का मेरा पहला ब्लॉग है एंड आज के ब्लॉग में हम लोग एक्सप्लोर करने वाले हैं जनेश्वर मिश्र पार्क को, जो कि लखनऊ में है। एंड जैसा कि आप लोगों ने सुना होगा वो एशिया की सबसे बड़ी पार्क है, तो आज हम लोग वहाँ का एक्सप्लोर करेंगे। एंड जैसा कि हम लोग यूपी में हैं, लखनऊ के अंदर हैं, तो अभी तक सैटरडे का लॉकडाउन चल रहा था, सेकंड मतलब सैटरडे तक लॉकडाउन नहीं था, अनलॉक था, एंड संडे तक संडे को लॉकडाउन लग रहा था। तो आज 22 तारीख है, 22 अगस्त है, तो आज से संडे का मतलब लॉकडाउन हटा है। तो आज हम लोग देखने वाले हैं कि वहाँ पर मतलब कैसा रहता है, लोग आते हैं कि नहीं आते हैं, और रक्षाबंधन भी है, तो हम लोग को यही देखना है कि वहाँ पर कैसा रहता है, मतलब लोग आएंगे कि नहीं आएंगे, मतलब कैसा एटमॉस्फेयर वहाँ का रहेगा। तो हम लोग कोशिश करेंगे वहाँ की एक एक चीज़ आप लोग को दिखाने को। तो वीडियो से पूरा कनेक्ट रहें, इसको स्किप बिल्कुल भी मत करें। एंड अगर मेरे चैनल पे न्यू है तो उसको सब्सक्राइब करें, इसके बेल आइकन को जरूर स्टार्ट करें। तो पास मैं जाने वाला अपना फ्रेंड के पास एंड वहाँ से हम लोग फिर ट्रिप स्टार्ट करते हैं, तो कनेक्ट रहिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पर गया हुआ है एक रोड टालीगंज क्रॉसिंग से, बट हम लोग सबसे पहले यहाँ पर इस पेट्रोल पंप पे पड़वाएंगे पेट्रोल एंड उसके बाद हम लोग इसी रोड से ऊपर जाएंगे जिससे शॉर्टकट हम लोग को पड़ेगा थोड़ा सा। देख सकते हैं सामने मोदी जी मुस्कुरा रहे हैं। तो अभी हम लोग पड़वाएंगे यहाँ पर तेल एंड उसके बाद ये डालीगंज क्रॉसिंग है, हम लोग एक्सटेंशन से जाएंगे इसके ऊपर। आवाज़ आ रही कि नहीं आ रही है? बहुत पुराने हैं यहाँ पर एम्प्लॉय, काफ़ी सालों से मैं पेट्रोल पड़वा रहा हूँ नीचे। मैं अलाउ नहीं ना, अलाउ होता तो भाई जो है जुगाड़ कर देते। तो अब हम लोग इसके पुल के ऊपर से जाएंगे। बोलते हैं 8 नंबर चौराहा, जो यहाँ भी पड़ेगा, जैसे कि ट्रैफिक यहाँ पे लाइट बंद है। एंड अभी हम लोग थोड़ी देर यहाँ पे वेट करेंगे, तो जैसा कि देख रहे हैं हम लोग ट्रैफिक और खुल चुका है, तो हम लोग सीधा यहाँ से निकलते हैं। तो ये जो रास्ता गया है ये सीधा हम लोग के आईटी चौराहे की तरफ जा रहे हैं। अब यहाँ से अप्रोक्स निकली 200 से 300 मीटर पे होगा आईटी चौराहा, पता है कि आज रक्षाबंधन है, उसी हिसाब से यहाँ पर ये आईटी चौराहे से पहले ये सारी दुकानें लगती हैं। चाहे दिवाली हो तो दिवाली में पटाखे की दुकान यहाँ पे लगती है, और अगर यहाँ पर रक्षाबंधन है तो उसके अकॉर्डिंग हर फेस्टिवल के अकॉर्डिंग यहाँ पर शॉप लगती हैं। तो जैसे कि आज उन्होंने देखिए थोड़ा सा पहला कानून तोड़ा है यहाँ पर, आप पहले ब्लॉग में पहला जो उन्होंने कानून तोड़ा है वो आईटी चौराहे पर तोड़ा है, क्योंकि जो है टाइम बहुत कम है हम लोग के पास एंड हम लोग को जल्दी पहुँचना है, भाई को कहीं जाना है, तो इस वजह से मैं कर रहा हूँ। तो अभी हम लोग आईटी चौराहे पर हैं, आईटी चौराहे से हम लोग जाएंगे गोमती नगर के साइड एंड इस चौराहे का नाम जिस कॉलेज के नाम पर है वो कॉलेज है आईटी कॉलेज। भाई आपको दिखाएंगे वीडियो में रिकॉर्ड करके।
इस कॉलेज के नाम पर इस चौराहे का नाम पड़ा हुआ है। ये है आईटी कॉलेज, ये गर्ल्स कॉलेज है लखनऊ का, काफ़ी अच्छे कॉलेजेस में है। तो जैसा कि हम लोग गोमती नगर आ चुके हैं, इस समय चौराहे पर हैं एंड हम लोग सीधा भी जाएंगे ताज वाले रोड पर, क्योंकि इधर से ही हम लोग को थोड़ा शॉर्टकट पड़ेगा। एंड ये जो रास्ता आपको दिख रहा है ये ताज का रास्ता है, इधर से ताज भी पड़ेगा, विवांता ताज एंड रेनेसा, मतलब लखनऊ का सबसे बड़ा जो होटल है वो यहीं पर है। ये है यहाँ का मॉल जो है रिवर साइड मॉल एंड इसके ऊपर है मॉलिक्यूल कैफे एंड उसके जस्ट पास में है रेनेसा होटल, ये भी बहुत एक्सपेंसिव होटल है। एंड लखनऊ का जो सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव होटल है वो है ताज। जितने भी सेलिब्रिटीज आते हैं लखनऊ में शूटिंग होती है वो यहीं पर ठहरते हैं, उनको मतलब यहीं विजिट कराया जाता है, चाहे जितना बड़ा सेलिब्रिटी है। ये ताज होटल के जस्ट स्ट्रेट जब आएंगे तब ये वाला रोड पड़ता है एंड ये इतना चौड़ा रोड है कि मोस्टली लोग यहाँ पर कार सीखने आते हैं। आपको जितनी भी कारें दिख रही आप देख रहे हैं सब में डबल लाइट जल रही है एंड ये इसी वजह से जल रही है क्योंकि यहाँ पर सब लोग लर्निंग के लिए आते हैं, सब लोग कार सीखते हैं यहाँ पर। एंड अगर आप लोग को यहाँ पर मतलब कार वगैरह सीखना चाहते हैं एंड आप लोग को जगह नहीं समझ में आ रही है कि किस जगह पर जाके कार वगैरह सीखे, तो आप लोग इस जगह पे आकर कार इसी वे में सीख सकते हैं, यहाँ पर मतलब बहुत चौड़ी जगह है। तो अभी हम लोग सीधा जाएंगे जनेश्वर साइड, जनेश्वर मिश पार्क। जैसा कि हम लोग देख रहे हैं जनेश्वर मिश्र पार्क, मतलब हम बोला जाता है कि एशिया का सबसे बड़ा पार्क, तो इस जगह से यहाँ से स्टार्ट हो जाता है और ये पता नहीं कितने किलोमीटर्स में जो है ये बना हुआ है। अभी हम लोग इसके मेन गेट पे जा रहे हैं, यहाँ से कोई एंट्रेंस नहीं है, कोई भी रास्ता नहीं जाने का। तो अगर आप लोग को इसकी डिटेल्स वगैरह चाहिए कि जनेश्वर मिश्र पार्क की मतलब कितने किलोमीटर में बना है, किसने बनवाया इसको, बेसिकली किसने बनाया ये मुझे पता है, अखिलेश यादव ने बनवाया है एंड बट मुझे इसकी पूरी एक्चुअल डिटेल नहीं मालूम कि मतलब कितने स्क्वायर फीट में बना है, मतलब कितने किलोमीटर में बना हुआ है, बट ये मान के चलिए हाँ ये एशिया का सबसे बड़ा पार्क है, तो ये लगभग मेरा अंदाज़ा है 10-15 किलोमीटर में तो अप्रोक्सीमेटली बना ही होगा। जब आप लोग दयाल बैठा चौराहे से आएंगे तभी उसके जब सीधा आएंगे तभी ये चौराहा पड़ेगा एंड एक गेट जनेश्वर का ये है पहला गेट, गेट नंबर 2 जिसको बोलते हैं एंड हम लोग जा रहे हैं गेट नंबर 1 पे। कि आप लोगों को मालूम है हम लोग गेट नंबर 1 पे आ चुके हैं, गेट नंबर 1 जरा दिखा देना एंड हम लोगों ने जो बाइक यहाँ पे खड़ी करी है, दिखा दो बाइक यहाँ पर, जो बाइक यहाँ पे खड़ी करी है ये इस वजह से खड़ी करी है क्योंकि इसके पीछे भी एक पार्किंग है बट वहाँ पे चार्जेस वगैरह देना पड़ते हैं, मतलब आप लोगों को चार्जेस वगैरह देना पड़ेंगे, अगर 4-व्हीलर भी खड़ी कर सकते हैं एंड 2-व्हीलर भी खड़ी कर सकते हैं।
बट अगर आप लोगों को थोड़ी बहुत मतलब जुगाड़ लगानी है फ्री में, मतलब बाइक को पार्क करना है, तो आप लोग इस जगह पर लाके खड़ी कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर जैसे कि संडे को लॉकडाउन खुला है बट कोरोना ख़त्म नहीं हुआ, इस वजह से हम लोग को मास्क जो है लगाना ही पड़ेगा कंपलसरी, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ है। तो अभी चलते हैं अंदर, जैसे कि यहाँ पर आ चुके हैं एंड ये मेरी बाइक खड़ी हुई है इस जगह पर, ये बाइक मेरी खड़ी हुई है एंड अभी हम लोग अंदर जाएंगे। ये इसका जो मेन गेट है, इसका गेट नंबर 1 है एंड हम तीनों लोग आए हुए हैं जगह। साहब भाई अपने कैमरा मैन जिन्होंने अभी तक कैमरा जो है रिकॉर्ड किया था, एंड ये अपने भाई हैं, ये हम लोग के मतलब एरिया में ही रहते हैं, चकलैन भाई। तो अभी हम लोग अंदर जाएंगे एंड देखेंगे मतलब क्या क्या चीज़ें हैं यहाँ पर दिखाने के लिए। ओके, तो चलते अंदर। गेट नंबर 1 पे आ चुके हैं एंड हम लोगों ने टिकट भी ले लिए हैं, 3 टिकट लिए हैं। ये देखिए 6 लोग हैं टोटल, 3 लोग हैं, 3 कोई दिक्कत नहीं, बाहर जाने की कोई दिक्कत नहीं, बाहर जाने पे टिकट है 10 का है, जैसा कि हम लोगों को पता है कि आज संडे है एंड संडे को आज पहला संडे है मेरे ख्याल से जो लॉकडाउन खुला है, एंड जैसा कि हम लोग भीड़ देख सकते हैं, देख रहे हैं उधर दूसरा साइड दिखा देना ज़रा, मतलब हर तरफ लोग चल रहे हैं एंड अनएक्सपेक्टेड चीज़ है, सोचा नहीं था कि इतनी भीड़ होगी यहाँ पर, क्योंकि ये पहला संडे है जब लॉकडाउन हुआ, मतलब लॉकडाउन अनलॉक हुआ है। रक्षाबंधन भी है, हाँ रक्षाबंधन भी है, हाँ मे भी रक्षाबंधन की वजह से इतनी भीड़ हो सकती है। सबसे पहले चलते हैं और यहाँ पे वो यहाँ का रिवर दिखाते हैं, ठीक है। रिवर जो कि बहुत ही फेमस है एंड इसके अंदर फिशेस ऊपरी रहती हैं, बहुत काफ़ी बड़े एरिया में पूरा ये रिवर है। ये अपने कैमरामैन सैफ भाई अपने, जो कि कबीर सिंह का चश्मा इस टाइम लगाए हुए हैं ये अपने साहब भाई फुल कबीर सिंह वाले एकदम मोशन में
जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोग ने जो एंट्री करी थी वो गेट नंबर 1 से करी थी और ये है गेट नंबर 2। और अब हम लोग ब्लॉग फिनिश कर रहे हैं क्योंकि काफ़ी ज़्यादा शाम हो गई है एंड अब रिकॉर्ड करना थोड़ा सा मुश्किल रहेगा। तो आज का जो ब्लॉग है हम लोग आज से क्लोज कर रहे हैं एंड अभी जब हम लोग वापस जाएंगे तो उसका भी आप लोग को रोड वगैरह की ट्रिप वगैरह दिखाएंगे। आज के व्लॉग बिल्कुल एंडिंग पर है एंड आज उन्होंने मतलब पूरा स्टार्टिंग से लास्ट तक जितनी कोशिश करी अपने तरफ से 100% देने की एंड जितनी मतलब कोशिश कर पाए जितनी ज़्यादा रिकॉर्ड करने की जितने ज़्यादा एक्सप्लोर करने की उतना किया। एंड भाई भी साथ में थे एंड इससे पूछेंगे मतलब काफ़ी ज़्यादा क्राउड था आज का, मतलब जैसे कि आज त्यौहार था रक्षाबंधन तो काफ़ी क्राउड था। तो जैसे कि आज मतलब पहला संडे है, पहले संडे के अकॉर्डिंग मतलब इतनी ज़्यादा भीड़ अनएक्सपेक्टेड है, मतलब ना पब्लिक की वीडियो बनाने में भी दिक्कत हो रही थी। मतलब सोचा नहीं था हम लोगों ने कि जो है कि इतनी भीड़ यहाँ पर होगी और हम लोगों ने मतलब कोशिश करी पूरा एक्सप्लोर करने की बट भीड़ इतनी ज़्यादा थी कि हम लोग मतलब आगे वीडियो बनाने की हिम्मत नहीं हुई। ठीक है, तो अगर वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा एंड अगर आप न्यू हैं चैनल पर तो उसको सब्सक्राइब करना ना भूलें।